या मेरे गिरफ्त में, बच्चा बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल गूगल ना करो, मैं वो भी जानता हूं जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूं मैं, बादशाह। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। चलो देखो, दिन भर चैटिंग चैटिंग बस चैटिंग, दिमाग खराब कर दिया है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मामा, आप क्या जानो, ये कमरे में बैठे बैठे आदमी पूरे दुनिया से मिल सकता है, बात कर सकता है। ये मोबाइल नहीं है, दुनिया की खिड़की है। तो हाथ धो के मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई हो, नए जमाने की लड़की है, वो कुछ गलत नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो, वो मेरी बेटी है, मेरी। ठीक है, आप लोगों से तो भगवान भी नहीं जीत सकता। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ओह गॉड, मेरी आईडी किसने हैक कर ली, मेरा तो फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। चल से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना। नादान लड़की, मेरे जाल में तुम पूरी तरह फंस चुकी हो। भगवान का नाम मत लो, जहां मैं होता हूं वहां भगवान नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, चूहा था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चलो सो जाओ। सिर्फ विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मुझे गलतियों से प्यार है, मैं इंतजार करता हूँ कि कोई गलतियां करे, और जब कोई गलती करता है तो मैं उसे माफ नहीं करता। वो मेरे जाल में फंस चुका होता है, फिर धीरे धीरे मेरे बस में आ चला जाता है, और फिर उसकी जिंदगी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरे पापा को तुम पहचानते नहीं हो, वो तुम्हें जेल भेज देंगे, सड़ोगे तुम जेल में। जेल और मैं, बेवकूफ लड़की, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योर लाइफ इज ओवर, जो हो रहा है वो तुमने किया है, तुम खुद ही जिम्मेदार हो इसके लिए। ठीक है करता हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर सर जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5,000 एफबी फ्रेंड जो, पर तुम्हारा एक भी फ्रेंड तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। We are शक्तिमान।
देखा, ये सब मोबाइल की वजह से ही हुआ है। मैं तो हमेशा से ही बोलती थी आप ही इसे बस मॉडर्न लड़की बोलते रहते थे। कुछ भी मत बोलो तुम, मोबाइल की वजह से थोड़ी ना कुछ होता है। किसने कहा कि मोबाइल से कुछ नहीं होता? आजकल बहुत बच्चे शिकार बन चुके हैं। इन्होंने कहा था डॉक्टर, अदिति पूरे दिन एक जगह पे पड़ी रहती थी और मोबाइल में ही लगी रहती है। देखिए, घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ऐसी स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। हेलो अंकल, कैसी है अदिति? क्या हुआ है उसे? हमें नहीं पता उसे क्या हुआ है। रात रात को चिल्लाती रहती है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ज्यादा फोन यूज करने की वजह से ये सब हो रहा है। अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसे एक जगह ले जाऊँ। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे। क्या पता तुम्हारे साथ जाके उसको अच्छा लगे। आपकी अदिति पहले जैसी हंसती हुई अदिति हो जाएगी। मोहसिन, तो बच्चे लोग को हटाओ, तो मुझे दिला रहे। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है किसी चीज में।